पूर्णिमा है, शिवाय दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक ग्रह बुधदेव 15 मई को मार्गी होने वाले हैं, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिये 15 मई 2023 की प्रातः 8:30 पर बुध मेष राशि में वक्री चाल को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं और आने वाले 7 जून 2023 तक बुध मार्गी रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में सभी राशि वाले जातकों को बुध प्रभावित करने वाले हैं। इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा असर देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। बुध के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है और एक तटस्थ ग्रह की भूमिका बुध प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निभाते हैं, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, गुणों और अवगुणों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव बुध का ही होता है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, कानून और कॉमर्स, व्यापारिक जीवन, शेयर मार्केट, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर बुध का ही प्रतिनिधित्व होता है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन तीन नक्षत्रों के स्वामी भी माने जाते हैं। बुध किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर यदि अनुकूल स्थितियों में हो तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। बुध यदि बली हो तो जातक अपने वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी हल निकालने में सक्षम होता है। बुध बली हो तो बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग के क्षेत्र में, व्यापारिक जीवन में कम प्रयासों में विशेष उपलब्धि अर्जित होती है। बुध अगर अनुकूल हो तो जातक कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाला होता है। ऐसे जातक की गणित जैसे विषयों में काफी गहरी रुचि होती है। सरकारी क्षेत्रों में विशेष सफलता देखने के लिए मिलती है। वहीं किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर बुध यदि कमजोर हो जाए, हाथ पैरों में पसीने आने की प्रॉब्लम, मानसिक रूप से टूट जाना, पागलपन, सफेद दाग, त्वचा जनित रोग परेशान करते हैं। बुध के खराब होने पर नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम परेशान करती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और प्रभावी है, इसलिए आप इसे अपने चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। देखिए, बुध आपके राशि के अष्टम भाव और आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव के अधिपति माने जाते हैं, जो आपके राशि के 6वें भाव पर यानी रोग भाव पर मार्गी हो रहे हैं। राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में, कंपटीशन के बारे में, नौकरी के बारे में मुख्य रूप से विचार करते हैं। बुध मार्गी हो रहे हैं और सूर्य आपके राशि के 6वें भाव पर ही मौजूद हैं, तो यहां पर आपके जीवन में बुधादित्यों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव की संभावना इन दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में आपको कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि आपके कर्म क्षेत्र में कार्य रुक रहे थे, उसके बनने की संभावना बनेगी। तर्क वितर्क करने की क्षमता और बुद्धिमत्ता में विकास होने की संभावना वृश्चिक राशि वाले जातकों को दिखाई देगी, जिससे इन दिनों की समयावधि में व्यापारिक जीवन में यदि आप जुड़े हैं तो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संतान से संबंधित आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों, लाभ भाव के स्वामी आपके लिए बुध बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कर्ज जैसी स्थिति यदि आपके लिए बनी हुई है या आमदनी के माध्यम में यदि आपको कमी बनी हुई है, इससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके लिए समय काफी ज्यादा अनुकूल रहेगा, काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। किसी नवीन कार्य व्यवसाय में संलग्न होकर बड़ी सफलता आप जीवन में अर्जित करते हुए भी
नजर आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मुद्दों में यदि आपके विवादास्पद स्थितियां बनी हुई है या कोर्ट में आपका कोई मुकदमा चल रहा है उसमें विजय की संभावना यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि आप कानून, कॉमर्स, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, इन क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं तो बड़े सफलता की प्रबल संभावना आपको देखने के लिए मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने भावना पर नियंत्रण रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और स्वास्थ्य के मामले में सतर्क होकर चलना ही इस समयावधि में विशेष सावधानी है। उपाय की जानकारी दिया जाए, गणपति के मंत्रों का जप करना, ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करने के पश्चात गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जरूरतमंद लोगों में हरी चीजों का दान करना चाहिए, जैसे हरी पालक, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र, इन चीजों का दान जरूरतमंद लोगों में करें। बुधवार के दिन तो स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।